हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ग्रां कदर खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। सितंबर 1946 में जब अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया तो मौलाना आज़ाद उस वजारत में शामिल नहीं थे, लेकिन जनवरी 1947 में वो वज़ीर तालीम की हैसियत से शामिल हुए। मई 1952 में उन्हें कुदरती वसाइल और साइंसी तहकीकात की वजारत की जायद जिम्मेदारी भी सौंपी गई और ताहयात ये कलमदान उन्हीं के पास रहे। 1947 से 1958 तक मौलाना आज़ाद ने मुल्क के तालीमी मसाइल को हल करने के लिए कई अहम फ़ैसले किए। यूं तो मुल्क में तालीम फराहम करने की तमाम तर जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों पर थी, लेकिन मौलाना आज़ाद का इसरार था कि तालीम के फ़रोग़ में मरकज़ी हुकूमत भी नुमाया रोल अदा करे। मौलाना आज़ाद ने 1958 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मुखातिब करते हुए कहा था, जब मैंने 1947 में वजारत तालीमात का चार्ज लिया था तो मैंने यह महसूस किया था कि तालीम का महकमा सूबों में सूबाई ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब तक हम अपनी मंजिल के निशानों तक न पहुँच जाएँ मरकज़ को पूरी मदद करनी चाहिए। मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से बुनियादी और आला तालीम का नज़्बुल आयन मुतय्यन करना था, इसलिए उन्होंने 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कायम किए ताकि दोनों ही सतहों पर तालीम की तरवीज हो सके। उन्होंने 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क़याम में भी कलीदी रोल अदा किया। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तश्कील नौ भी की। मौलाना आज़ाद ने हमेशा कौम की तालीमी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। स्कूल और कॉलेज हमें इल्म का घर नहीं देते, इल्म के घर के दरवाजे पर खड़ा कर देते, लेकिन इल्म का घर कहाँ है? वो दरअसल कुतुबखाना। कुतुबखाने से मकसूद यह है, कुतुबखाने के सर्विस से मकसूद यह है कि एक मुल्क को उसकी हालत और ज़रूरत के मुताबिक और किताबों के जो पढ़ने वाले हैं उनकी हालत के मुताबिक जिस तरह का लिटरेचर, जिस तरह की किताबें चाहिए उन किताबों का इंतज़ाम करे और फिर कोशिश करे कि वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में पहुँच जाए। मौलाना आज़ाद को मुल्क में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ में काफ़ी दिलचस्पी रही। इसलिए उन्होंने 1953 में साहित्य एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी और 1954 में ललित कला एकेडमी का क़याम अमल में लाया। मौलाना आज़ाद ने साइंस के मुख्तलिफ मैदानों में साइंटिफिक रिसर्च के लिए कई इदारे क़ायम किए, जिनमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस और इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च काबिल ज़िक्र हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को हालांकि आज़ादी से कबल ही कायम किया गया था, लेकिन मौलाना आज़ाद ने उसको तरक्की देकर एक ऐसा फ़आल इदारा बना दिया कि उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की आला तालीम और तहकीक के अहम मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर ली। यहाँ हवाबाजी से मुतालिक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंटरनल कंबशन इंजीनियरिंग, खाम धातों को साफ करने से मुतालिक मेटलर्जी और कीमियाई अशिया से मुतालिक केमिकल इंजीनियरिंग, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग के शोबों का क़याम अमल में लाया गया। मौलाना आज़ाद को इस बात का शदीद एहसास था कि तकनीकी तालीम के बग़ैर मुल्क में सनअती तरक्की मुमकिन नहीं, और माशी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब टेक्निकल एजुकेशन की फ्राहमी को मुल्क में आम कर दिया जाए। इस सिलसिले में उनका एक बड़ा कारनामा ये रहा कि उन्होंने 1951 में खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी के क़याम को अमली शक्ल दी, जो बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के नाम से शोहरत पाया। पहले ही से कायमशुदा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को मौलाना आज़ाद ने न सिर्फ पुर असर बनाया बल्कि उसके तहत 12 साइंसी और तकनीकी इदारे भी कायम किए। इन इदारों में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट काबिल ज़िक्र हैं। मौलाना आज़ाद ने 1950 के दहे में कहा था कि हर बच्चे के लिए इब्तदाई तालीम लाजमी है। मुल्क में 6 बरस से 14 बरस की उम्र तक बच्चों के लिए तालीम को लाजमी करार देना चाहिए। मौलाना की इसी तजवीज़ पर 2010 में कानून हक तालीम, राइट टू एजुकेशन एक्ट के ज़रिए मुल्क में नाफिज़ किया गया।
یونیورسٹی کی تعلیم سے متعلق ان کا یہ ماننا تھا کہ اسکولی تعلیم کو ترقی دیے بغیر یونیورسٹی کی تعلیم اطمینان بخش نہیں ہو سکتی۔ وہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے معیار پر خصوصی زور دیا کرتے۔ مولانا آزاد کا 11 سالہ دور وزارت ملک کی تعلیمی ترقی کے معاملے میں نہایت اہمیت کا حامل رہا۔ راہ میں حائل مشکلات، مالیہ کا فقدان، موضوع اشخاص، انفراسٹرکچرز اور عمارتوں کی قلت کے باوجود وہ ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے انتھک کوششیں کرتے رہے اور اپنی تقریروں، وزارت کے نام جاری کی گئی ہدایتوں، تعلیم کی مختلف باڈیوں کی میٹنگوں میں سب کو مل کر منظم طریقے سے کام کرنے کی ترغیب دیتے رہے تاکہ ملک کی نوجوان نسل معیاری زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ مولانا آزاد کی بحیثیت وزیر تعلیم ملک کے لیے بڑی اہم خدمات رہی ہیں۔ مولانا کی دانشورانہ تعلیمی خدمات کے لیے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔